हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मिशन इम्पॉसिबल 7 की मूवी की शूटिंग रुक गई है, क्या वजह है इसकी शूटिंग रुकने के पीछे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और याद रहे हमारे चैनल मेहताब टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीन से शुरू होकर कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया भर के देशों में लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब इस वायरस की वजह से फिल्म इंडस्ट्री भी प्रभावित होने लगी है। अगर आप टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के फैन हो तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल इस सीरीज की अगली फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई है। दरअसल यह शूटिंग कोरोना वायरस के कारण रुकी है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रही पैरामाउंट पिक्चर ने कंफर्म किया है कि कोरोना वायरस के कारण इटली में इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। बता दें इटली में 200 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुके हैं, इसमें से 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म की शूटिंग को फिलहाल रोक दिया है। इस फिल्म की शूटिंग इटली के वेनिस में होनी थी। प्रोडक्शन हाउस के प्रवक्ता ने बताया है कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगाई है, जिसके कारण फिल्म की शूटिंग को रोकने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि वेनिस के अंदर फिल्म की शूटिंग 3 हफ्ते तक होनी थी। शूटिंग रुकने के बाद फिल्म के स्टार कास्ट और क्रू को घर जाने की इजाजत दे दी गई है। तो अब आपको इथन हंट के रोल में टॉम क्रूज को देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपको बता दूं मिशन इम्पॉसिबल 7 2021 में रिलीज होने वाली थी। अब देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग कब पूरी होती है और ये फिल्म कब रिलीज होती है। क्या आप लोग भी मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज के फैन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और साथ ही मुझे ये भी जरूर बताना कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।